अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखिए जी, मेरी थ्रेडिंग का हाल। आज मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने, तो उस दीदी ने क्या किया, मेरी थ्रेडिंग एक बारीक कर दी है, यहाँ से बारीक हो चुकी है। मालूम नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं, पर मुझे बहुत अजीब लग रही थी। और ये वाली ठीक है, उन्होंने एक बारीक कर दी थी तो मैं रोने लगी। दीदी परेशान हो गई कि कैसी लड़की है, एक थ्रेडिंग ख़राब होने पर रो रही है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैंने कितने मेहनत की है इसको शेप में लाने के लिए। हल्की सी एंगल शेप में होती है ना, तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने ट्राई किया था कि थोड़ी सी एंगल रहे, एक बारीक हो गई तो मैंने बोला दूसरी को ज़्यादा मत छेड़ो। अभी मैं 2-3 महीने तक कोई थ्रेडिंग नहीं करवाने वाली हूँ, इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी तब जाके मैं इनकी सही से शेप बनाऊँगी। बस आते हुए फिर वही मोमोज़, आजकल मैं मोमोज़ ज़्यादा ही खा रही हूँ। किमे के मोमोज़ अच्छे लगते हैं, ये सामने जो घर के बनाता है। तो आज मैंने स्टीम भी ले लिए थे, घर पर और कोई था नहीं, मम्मी मैं और डैडी थे। मैंने सोचा कोई खाएगा तो है नहीं, लेकिन मैं रख कर किचन में गई, आकर देखा तो फ्राई मोमोज़ ख़त्म हो गए थे। डैडी खा चुके थे और मम्मी को फ्राई ये अच्छे लगते हैं। स्टीम वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, बस मेरे बोलने पर उन्होंने खा लिए। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना खाऊं, इसलिए कम ही लेकर आती हूँ, लेकिन जब कम पड़ जाते हैं तब पता लगता है तो ज़्यादा ही कम हो गए। बस जी, फिर मैं चले गई थी मार्केट। ये सहारनपुर की राय वाला मार्केट है, ये काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल रेट पे यहाँ पर कपड़े मिल जाते हैं। तो ये हमारे घर से काफ़ी पास है, और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर दिखाऊँगी जहाँ मुझे जाना है, बस मैं आपको उसी शॉप पर लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर मिल रहे थे लहंगे और वेलवेट। वेलवेट का मैं क्या यूज़ करने वाली थी, जिस वजह से मैं देख रही थी, वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने वेलवेट का क्या करना है। यहाँ पर लहंगे, गाउन, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बट ये जो लहंगे हैं, ये सिर्फ इनका लहंगा ही है, चोली और दुपट्टे नहीं होगा। मतलब कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। और काफ़ी खूबसूरत लहंगे हैं, आपको रिजनेबल रेट पे ब्राइडल लहंगे बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे। और ये देखिए जी हमारी रोड की हालत, ये हमारे शहर में हर जगह पर ये खुदाई चल रही है, पाइपलाइन लग रही है, इस वजह से तो सारी रोड ख़राब है। कितनी जगह पर तो पूरा घूम के जाना पड़ता है, इतनी रोड ख़राब हो रखी है। खैर, अब मैं गई थी यहाँ अंदर मार्केट में, मुझे लेने थे कुछ स्टोन ड्रेस में लगाने के लिए। यहाँ पर आपको बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो जब मैं मार्केट में गई अंदर, तो मुझे ये हैंगिंग वाली जो नेक पीस था वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये ना ड्रेस में आप किसी सूट वगैरह में गले में आप लगाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। जो इसका हैंगिंग वाला पार्ट था ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो मैंने चलते चलते वहाँ पर रुकी भैया से, मैंने पूछा उसका प्राइस, तो उन्होंने कुछ 250 या 300 रुपये बताए थे। बस जी, मैं इन भैया के पास आई शॉप पर, मुझे ये वाले स्टोन लेने थे, तो मैंने सैंपल दिखाकर उनसे बोला कि मुझे ये वाले स्टोन दे दीजिए। यहाँ पर निकाह के दुपट्टे भी तैयार होते हैं, तो एक दुपट्टा तैयार था जो टंग रहा था यहाँ पर, तो मैंने पूछा उनसे कि कितने में रेडी करते हैं, तो उन्होंने बताया 1500 रुपये। मुझे ये हमारे शहर के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली लगा, इतने तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन में भी मैंने एक से पूछा था तो उन्होंने मुझे 1000 अराउंड बताया था। तो अगर हो सकता है कि इनसे कम करवाते, थोड़ी बार्गेनिंग करते, तो शायद से ये कम कर लेते। बट मुझे बनवाना भी नहीं था, मेरा भी सच है कोई प्लान भी नहीं था बनवाने का। फिर उन भैया के पास वो वाले स्टोन ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने सोचा और शॉप पर पूछ लेती हूँ। बस फिर मैंने एक दो शॉप पर और राउंड लगाया, मुझे वहाँ पर भी नहीं मिले। अब एक दो दिन में मुझे फिर जाना है, फिर पूछूँगी कि स्टॉक आया है या नहीं आया है। ये नेक्स्ट शॉप है जहाँ पर मैं गई थी, ये पिंक वाली पॉम पॉम वाली लेस मुझे बड़ी पसंद आ रही थी। अभी मेरा इरादा हो रहा है कि मैं किसी सूट पर इसको लगाऊं, तो अच्छी लग रही थी। मतलब इसका कलर भी बड़ा प्यारा था और डबल शेड में आ रही थी, तो मेरा इरादा हो रहा है कि मैं इसको लेकर जाऊंगी और किसी सूट में लगा लूँगी, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये लेस मैंने वीडियो एडिट करते हुए देखी है, शॉप पर जब मैं गई थी मैंने देखा नहीं था कि वहाँ पर ऐसी कोई लेस है। ये पर्स में ताका जागी करते हुए, ये मेरी सिस्टर है छोटी, तो हम लोग जो आए थे वो हमने एक ब्लैंकेट लिया था कुछ दिन पहले। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने लिया था शादी के लिए, हम दोनों की शादी का प्लान मम्मी डैडी साथ में ही कर रहे हैं कि साथ में हम दोनों की करेंगे। तो हमने जो ब्लैंकेट लिया था उसमें वो कन्फ्यूज़ हो रही थी, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का भी ब्लैंकेट था, तो उसमें वो कन्फ्यूज़ थी कि मैं वो लूँ या जो हम लेकर गए थे वही रखूँ।
तो फिर उसने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ ब्लैक वाला, तो वो रिटर्न करने के लिए आई थी। भैया ने बताया कि वो तो सेल हो चुका है। उसने सोचा था ब्लैंकेट प्रिंटेड मिलेगी और जो उसकी बेडशीट होएगी वो प्लेन में रखेगी, तो एक सेट बन जाएगा बड़ा प्यारा। और ऐसे सेट ना अगर आप रेडीमेड वैसे लेते हो, पूरा एक का एक लेते हो ना, कि दोनों चीज़ें सेट के साथ लेते हो, तो वो मुश्किल से ही मिलता है वैसा। तो ये वो ब्लैंकेट था, ये रिटर्न करके उसे ब्लैक कलर का लेना था, बट ब्लैक सेल आउट हो चुका था। तो भैया ने बोला एक काम करो, तुम पैसे ले लो अगर वो बिक गया और तुम्हें ये नहीं लेना है। लेकिन बस फिर हमने सोचा यही ले लेते हैं, पसंद तो ये भी था बट थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी, फिर हमने यही वाला वापस से ले लिया था। फिर हम उनके सामने वाली शॉप पर गए, यहाँ पर मैं काफ़ी दिन से आ रही थी कि मुझे वेलवेट लेनी है। उन्होंने बोला था वेलवेट अब आएगी, कल आएगी, इतने दिन से वो यही कर रहे थे बट वो वेलवेट आ नहीं रही थी। बस फिर वो अभी भी नहीं थी, फिर से हम उसी शॉप पर आए जहाँ से ब्लैंकेट लिया था। तो हम यहाँ पर ये वाइट कलर के कपड़े देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे इसका कुशन कवर बनाए कंट्रास्ट में तो अच्छा लगेगा। तो दो फर वाले हम सोच रहे थे, और भी थे ऐसे वाइट में। फिर हम प्लेन में देखने लगे बेडशीट बनाने के लिए। ये कपड़ा ना वेलवेट में था और काफ़ी मोटा था, वीडियो में ऐसा लग रहा है कि हल्का होगा बट ये काफ़ी हैवी था। अच्छी वाली वेलवेट थी, इसकी अगर बेडशीट आप प्लेन बनाएंगे ना और कंट्रास्ट में प्रिंटेड ब्लैंकेट रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो हम देखने लगे, काफ़ी सारे कलर इनके पास थे लेकिन अभी हमें कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था। तो हम नेक्स्ट शॉप में गए, वहाँ पर कुछ कपड़े देखे, तो ये ना प्रिंट में थोड़ा सा फर वाला है, प्रिंट वीडियो में सही से नज़र नहीं आ रहा है बट इसमें काफ़ी अच्छा सा प्रिंट बना है, सेल्फ वर्क है। फिर हम गए सैंडल लेने। मैं एक दिन पहले इस शॉप पर आई थी तो मुझे एक जूती पसंद आई थी तो मैंने वो लेनी थी। ये मेरी सिस्टर स्लीपर देखने लगी थी घर में पहनने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। ये डेली यूज़ की सैंडल्स थी यहाँ पर, जो रबड़ में आती है ना, ये वुज़ू करने के लिए, पानी में अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छी रखती है। और ये था इनका सैंडल्स का कलेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छे रेट में थे और ये भी आप डेली यूज़ में पहन सकते हो। ये थी कोल्हापुरी टाइप चप्पल, मतलब कलेक्शन इनके पास काफ़ी सारी थी और सही रेट पर भी ये दे रहे थे। बैग भी इनके पास काफ़ी सारे टाइप के थे, स्लिंग बैग, हैंड बैग, ब्राइडल भी कुछ बैग थे इनके पास। ये डेली यूज़ की जो स्लीपर्स हैं ये 200-250 की रेंज में थी। ये रही जूती जिनकी वजह से मैं आई थी, तो जूती भी काफ़ी रिजनेबल रेट में अच्छी दे रहे थे। मुझे ये ब्लैक वाली बड़ी पसंद आई थी, इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा था। ब्राइडल की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, कितने सारी और अलग अलग टाइप में आपको मिल जाएंगी। बस फिर मुझे ये ब्लैक वाली जूती लेनी थी जो मुझे पसंद आया था, इसका वर्क काफ़ी प्यारा था। तो बस फिर मैंने ये वाली पैक करवा ली थी। भैया ने रेट बहुत ज़्यादा बताए थे और फिर बार्गेनिंग हमने की तो उन्होंने थोड़े कम कर दिए थे। यहाँ पर कुछ सैंडल्स थी जो काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी, देखने में इतना नहीं पता चलता है लेकिन जब आप इन्हें पहनते हैं ना तब पता चलता है कि कितनी प्यारी है। ये देखने में ठीक लग रही थी, हील भी इसकी प्यारी थी बट पहनने के बाद ये बहुत प्यारी लग रही थी। ये थी रबड़ की सैंडल जो आई थी 150-250 की रेंज में थी, सबके अलग अलग प्राइस थे, ये आपको ऑनलाइन भी देखने मिल जाएगी। ये ब्राइडल कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, इसमें ये स्टाइलिश में ब्राइडल यूज़ करते हैं ना, ये उस टाइप में थी। यहाँ मेरी सिस्टर सारी स्लीपर पहन पहन के देख रही थी कि उसने कौन सी लेनी है। ये पिंक वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी घर में पहनने के लिए ना। बस जी, हमने वहाँ से जो सैंडल्स लेनी थी वो ले ली और फिर हम जाते टाइम एक और शॉप पर रुके थे जहाँ से हमें एक सैंडल और पसंद आई थी, वो मेरी सिस्टर ने ली थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सी थी। ये स्लीपर मेरी सिस्टर ने ली थी बाहर पहनने के लिए और ये ली थी मैडम ने घर में पहनने के लिए, दोनों अलग अलग चाहिए थी उसको।
ये दोनों उसकी थी और ये जूती ली थी मैंने, जो मैंने बाद के लिए रख दी थी कि शादी के बाद ले जाऊंगी। तो मेरा इरादा था कि मुझे काफ़ी सारी जूती लेनी है इस बार। हील पहनने से मेरा थोड़ा मन हट गया है, तो मैं अपनी शादी के लिए जो लेने का इरादा है वो जूतियाँ हैं। ये थी जी उसकी दूसरी सैंडल जो हमने किसी और शॉप से ली थी, उसने भी ये बात के लिए रख दी थी। ये थोड़ी कम हील में थी, मैंने पहन कर देखी तो मेरे पैर में नहीं है, ये साइज़ छोटा था। उसका साइज़ ना हमसे थोड़ा छोटा है, बाकी हम सबका ऑलमोस्ट सेम है।